अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे। जैसा कि ये मैं आपको ये वाला पूरा स्वेटर जंपर बनाना सिखा चुकी हूँ, ये अब इसके साथ की ये मैंने मैचिंग टोपी बनाई है। ये देखें टोपी, मेरा रहता पोम-पोम लगाने का नहीं था, लेकिन बच्चे कहने लगे मम्मा अच्छा लगता है छोटे बच्चों के लिए तो आप लगा दे। और ये इसके कान के लिए मैंने सिर्फ मैचिंग टच देने के लिए ऐसा बनाया है। अगर आप एक ही कलर के बना रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ओनली टोपी भी बना सकते हो। इसको सारे बनाते हुए मैंने डिटेल में इसकी वीडियो अपलोड की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको लाइक होगी। अगर लाइक हुई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए करें, ताकि फिर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो सब लोग इसको लाइक भी करते हैं, ठीक है। और ये पम पम टू कलर का पम पम, वैसे तो ये बॉय का सेट है तो, लेकिन कहते हैं कि बच्चे बॉयज़ भी आजकल पम पम वाली टोपियाँ पहनते हैं, बड़ों की और बात है। तो चले अच्छा लगता है, बच्चों में तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और इस तरह ये मैचिंग सेट भी हो गया। और ये इसका बैक साइड आप ये देखिए, ज़रा भी नहीं पता चलता इसकी सीम का। और इसको मैं बनाते हुए ये इसको पूरा अपलोड किया है, इसकी पूरी वीडियो को डिटेल में बनाया है, और जो कि मैं अभी अपलोड भी करूँगी। ये देखिए मैं इसको आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, और ये बॉर्डर इस तरह डबल बना के बनाया, ठीक है। चले ठीक है, अब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। वूल जो इसके साथ लगी है, ये मैंने पूरा 100 ग्राम का बॉल लिया था, और मेरे ख्याल में 50 लगी होगी, 50 से थोड़ी सी ज़्यादा लगी होगी, आप कह लें 50 या 60 ग्राम तक इसको वूल लगी है। लेकिन अगर आपने ये पूरा सेट बनाना है तो आपको तकरीबन आपको 4 बॉल ऑफ ये ग्री लेने पड़ेंगे 400 ग्राम, वरना अगर या 350 तो बेटर होता है कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लें, ठीक है। ये देखें मैंने ये टोपी का इतना पार्ट बना लिया हुआ है, ये बिल्कुल सीधा सीधा होता है। तो मैं आपको डिज़ाइन सिखा देती हूँ और ये मैंने कैसे बनाया है। वैसे तो अगर आपने ये इसका जो स्वेटर बना लिया है तो डिज़ाइन सीखने की भी आपको नीड नहीं होगी, ओनली सिर्फ आपको इसकी मेजरमेंट चाहिए होंगी। तो ये मैंने बनाई है, और ये इसलिए कि मैंने यहाँ से ऐसे टोपी को डबल फोल्ड करना है, ठीक। और ये इसकी इधर बैक साइड ऐसे हो जाएगी, फिर जब हम फ्रंट साइड से इसको ऐसे करेंगे फुल। वैसे अब इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 1/8 इंच, देखिए यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1/8 इंच की लेंथ इसकी हो रही है। और लेकिन जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तब इसकी लेंथ तकरीबन 7 इंचेस हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने ये तकरीबन ये वाला जो तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा कम है इसका बॉर्डर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो 3 इंच का ये पार्ट बना हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद ये मैंने ऐसे उल्टा उल्टा बनाना शुरू कर दिया था, सॉरी बैक, ये इस साइड से मैंने सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया था। जब बच्चा पहने हो टोपी तो यहाँ से भी वो नीट लगे ना, और ये तो बॉर्डर के अंदर ही आ जाना है ऐसे। अगर आपको लगता है कि ये वाली साइड इधर होनी चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहले तो हम इसका डिज़ाइन सीखेंगे। हाँ, डिज़ाइन में ये कि मैंने पहले स्टिचेस बता दूँ, स्टिचेस इसके मैंने 109 लिए हैं, 109 मैंने स्टिचेस लिए हैं। वो कैसे, देखो ये वाला पोर्शन जो ये 6 स्टिचेस पे जाता है, एक स्टिच ये होता है, एक ये मिडल में, 2 का ये डिज़ाइन बनता है, फिर ये, और ये टोटल 6 स्टिचेस का ये हुआ, 3 का मिडल में ये गैप दिया, फिर 6। इसमें मेरी अब कितनी रो है, ये वैसे कॉलम होता है इधर को, हम इसको रो बोल देती हूँ, रो इस साइड पे होती है, इस साइड पे कॉलम होता है। तो ऐसे मैं
ऐसे बोल जाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसमें ये टाइम डिज़ाइन को मैंने ऐसे डाला हुआ है रिपीट करके। तो 12 टाइम अगर आप डालते हो, 12 टाइम 6 72 स्टिच तो ये हो गए। अब ये कि यहाँ ये 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 टाइम 36 ये हो गए, 108। लेकिन मैंने डाले हुए 109, वो इसलिए कि डिज़ाइन को जब मैंने ऐसे शुरू किया था तो एक ये साइड का मैंने लिया हुआ है, तो इस साइड में मैंने एक साइड लिया है, इधर मैंने नहीं लिया, इधर मैंने 3 ही छोड़े, तो ये इसलिए एक ऐड होके 109 रह गए चुके हैं। ओके, ये तो हो गए उसके। अब हम इसका पैटर्न सीखते हैं। ऐसा करती हूँ मैं ये 2 पैटर्न तक इसके स्टिचेस डाल के आपको स्मॉल साइज का सैंपल के तौर पर पैटर्न सिखाती हूँ। ये मैंने 21 स्टिच डाल लिए हैं, ठीक है, उस सैंपल के तौर पे। पहले तो हम तकरीबन 2 इंच के करीब ऐसे बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर सिंपल, ये जो मेरा सीधा स्टिच होता है निट वाला, वो मैं ऐसे पीछे से बनाऊंगी यौन आगे। ये जो मेरा पर्ल वाला स्टिच होता है उल्ट, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी उल्टे वाला नीट, दोनों को दोनों साइडों से इसी तरह मैं ऐसे बॉर्डर बना लूंगी। मैंने एक ऐसे बॉर्डर की सिलाई डाल ली है, एक चले और डाल लेते हैं थोड़ा सा बॉर्डर दोनों साइडों पे, राइट और रॉन्ग दोनों साइडों पे, सीधी साइड पे और बैक साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों पे। ओके, इसी तरह ये जो उल्टा होता है ये बैक से ला के बनाना होता है, और ये सीधा होता है ये भी बैक से ही ला के बनाना है ऐसे। देखिए मैंने और छोटा सा बॉर्डर बना लिया है, इसी तरह आप 2 इंच के करीब करीब, ये 2 इंच से के करीब करीब ये बॉर्डर बना लीजिएगा। जी ये बॉर्डर की ये फ्रंट साइड है, ओके, ये इसका फ्रंट है और ये सीधा। आपने ये देखिए मेरा यहाँ सीधा आ गया, तो मैंने यहाँ से जब देखो कि फ्रंट बॉर्डर 2 इंच का हो गया है, तो यहीं से आपने फिर ऐसे इसको सीधी सीधी सिलाइयाँ 1.5 इंच तक डालनी शुरू कर देनी है। थोड़ा सा इसलिए लेस रखना है कि जब फोल्ड होगा और डिज़ाइन फिर वो ऐसे वहाँ से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक लगेगा। अगर ये सारा मैं बॉर्डर ही बना देती तो फ्रंट से बहुत ज़्यादा थिक हो जाना था, ठीक। अब इसलिए मैं इसकी 4 सिलाइयाँ इसी तरह इसकी सीधी सीधी आपको डाल के दिखाती हूँ। अगर मैं ये सारा बॉर्डर करती तो ये ऐसे बहुत होना था, इस तरह बॉर्डर थोड़ा सा बैठ जाता है और नीट लगता है, नाइस लगता है। अब मैं ये डाल के फिर डिज़ाइन डाल, छोटा छोटा सैंपल के लिए बना लिया है। अब ये देखो ये रॉन्ग साइड है, ये भी देखिए रॉन्ग साइड है, ओके। अब यहीं लेकिन आगे जाके डिज़ाइन डिज़ाइन का फ्रंट आ जाता है, वो इसलिए कि इसने तो टर्न हो जाना है ऐसे, ठीक, ये फिर राइट साइड आगे आ जाएगी। अब यहाँ से हमने जब आपने 2 इंच का ये 1.5 इंच का तकरीबन ये बना लिया, तो वैसे तो थोड़े थोड़े हैं, लेस ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ये टोटल 3 इंच का है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 1.5 से लेस है थोड़ा सा, इसी तरह ये 2.5 से लेस है। तो आपने अगर थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा भी हो गया तो माइंड नहीं होगा, ओके। आपने अगर 2 इंच और 1.5 का भी ये कर लिया तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना खास। चले ठीक, अब बैक साइड पे हमने इसी तरह पैटर्न को बनाना शुरू कर देना। पैटर्न का ये है कि 3, 6 और 3, ये 3 तो मैं ऐसे सीधे सीधे ही डाल लूँगी, ठीक, 2 एंड 3। उसके बाद ये एक सीधा बनेगा, उसके बाद उसके मिडल में एक उल्टा आएगा, ये अभी हम उसकी प्रेपोजिशन कर रहे हैं। ये उसके बाद 2 का ये होगा, 1 एंड 2 का ये होगा, फिर एक उल्टा होगा और एक सीधा होगा। ये 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 पेपर ये पैटर्न पड़ा है, फिर मेरे 1 2 3 जो है मैंने वैसे ही मिडल के सीधे सीधे बना लेने हैं, फिर एक मेरा ये सीधा हो जाएगा, एक
उल्टा स्टिच हो जाएगा, दो सीधे हो जाएंगे मिडल के ये वाले, एक उल्टा एक सीधा, फिर तीन पार्टिशन के। इसी तरह ये पैटर्न ने तीन छः करके इसी तरह ये मैंने डालना है। अब ये जो मेरी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, उस पर हमने ये तो 1, 2, 3 है वो तो सीधे सीधे ही जाने हैं, ठीक। और ये वाली जो साइड है ये सीधा, इस साइड पे उल्टा होगा, यहाँ सीधा, इसको हमने ऐसे ही उठा लेना है, ऐसे इधर स्लिप इधर शिफ्ट कर लेना विदाउट बनाए। फिर मेरा एक हो जाएगा सीधा जो कि इधर उल्टा होगा, ठीक। अब फिर मैं दो फिर उल्टे बनाऊंगी, एक सीधा, इसमें जो जो है जैसे आ रहा वैसे बनाना है, सिर्फ ये एक एक मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे स्लिप करना है। करने के बाद 1, 2, 3 मैंने सीधे बनाए, धागा आगे ये स्लिप, धागा पीछे सीधा, 1, 2 उल्टे सीधा, धागा आगे ये मैंने इधर शिफ्ट किया वैसे ही बनाए, और ये मेरे 1, 2 एंड 3 सेकेंड रो होगी, दो रो होगी इस डिज़ाइन की। अगली 2 रोज भी हमने इसी तरह डालनी है, 4 रोज के बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये मैं 2 ऐसे ही डालूंगी, ये 1, 2 ऐसे बनाऊंगी, यहाँ मैं सीधा बनाऊंगी, उल्टा मैं ऐसे बना लूंगी, फिर ये 2 जो जो जैसे है वैसे ही इसको हम बनाएंगे। ये मेरा उल्टा सीधा, 1, 2, 3 सीधे उल्टा और ये 3 सीधे। अब ये रॉन्ग साइड दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह कर लेंगे, 3 सीधे हैं, ये जो सीधा है ये इसको मुझे ऐसे ही इधर शिफ्ट कर लेना बगैर बनाए, ओके। एक उल्टा 2 सीधे, यहाँ पे सीधा है दूसरी साइड पर उल्टा, ये ऐसे ही बना लिया। ये 4 रोज मैंने इसी तरह कंप्लीट कर ली जी। अब हमने ये लूप वाला डिज़ाइन शुरू करना है, 3 तो 1, 2, 3 मैंने ऐसे बनाए, ये सीधा बन गया, ये हो गया उल्टा, ठीक। अब ये जो 2 थे मेन डिज़ाइन इसी में जाना है, इसमें मैंने ये क्या करना है कि इसको 1, 2 एंड 3 1, 2, 3 जब आएगा ना वहाँ से मुझे ऐसे बस इसको नीडल को डाल के निबाद इस तरह बना के एक लूप बना लेनी है ऐसे, फिर 1 एंड 2 फिर 1, 2 इधर साइड से भी 1, 2 एंड 3 यहाँ से फिर मैं दोबारा अगेन करने के बाद एक लूप बना लूँगी दोनों साइडों पे 2 के इर्द गिर्द। बाकी ये उल्टा वैसे ही होगा, यहाँ सीधा होगा, ये अगले 3 सीधे आ रहे हैं गैप के मिडल के, 1, 2, 3 फिर ये सीधा वैसे उल्टा, अब फिर डिज़ाइन, ठीक। अब फिर उसी तरह 1, 2, 3 के बाद मुझे इसको ऐसे लूप बना लेनी है ऐसे, लूप बनाने के बाद इसको मैंने बना लिया, फिर 1, 2, 3 के बाद इसकी ऐसे लूप बन जाएगी, ये बन जाएगा, ठीक। उल्टा ये और ये 3 सीधे, ठीक। अब जो रॉन्ग साइड है, बैक साइड है जो उसकी, उसमें 1, 2 ये 3 मैंने डाले धागे, इसको मैंने ऐसे उठा लिया, उठाने के बाद ये, अब ये जो लूप थी इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर लेना, इसको भी बनाना नहीं है मैंने, ये 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी, ठीक। और ये फिर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, धागा पीछे ये सीधा, धागा आगे ये मैंने ऐसे स्किप करना है,
धागा पीछे, वन टू थ्री, ये मैंने ऐसे स्किप किया, ये धागा ऐसे, फिर लूप आ गई, लूप को मैंने ऐसे उठा लिया, उसके बाद दो मैंने बना लिए, ये लूप फिर ऐसे पिक कर ली, धागा पीछे, ये ऐसे इसको करने के बाद ये ओके। अब नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, ये थ्री थ्री तो ये तो बस ऐसे ही दोनों तरफ से सीधे सीधे यानी कि नीट नीट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ इसको मैं उठाती हूँ लेकिन यहाँ पे मैं इसको नीट करती हूँ, बैक साइड से मैं इसको वैसे ही उठा लेती हूँ। ये मैंने बनाया उल्टा, अब ये जो चार है ये मेरे फोर, इसको मैं इधर कर दूँ ताकि डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो। ये जो मेरे फोर हैं इन फोर को मैंने चारों को इकट्ठों को बैक से, चारों को कटों को बैक से उठाना है, ठीक। इसको बनाया लेकिन इसको लीव नहीं करना। ये बनाने के बाद फिर मैं फ्रंट से ऐसे करने के बाद धागे को ऐसे घुमाने के बाद इसको बना लूंगी, तो ये फिर मेरे चार के दो रह जाएंगे। ओके ये बन गया, ये वन टू थ्री हो गए सीधे, ये मेरा ये सीधा ये उल्टा। अब फिर इन चारों को मैं बैक्स इधर से कट्ठे डाल का लूँगी, इसको बनाने के बाद ऐसे लीव नहीं करूँगी। अब मैं फ्रंट से ऐसे इसको बना लूँगी, निकाल लूँगी, ये उल्टा और ये सीधे। ये हो गया, ठीक। अब फिर हमने नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट रो में ये करना है, टू थ्री ऐसे ही, ये मैं ऐसे ही पिक करूँगी, धागा पीछे, ये धागा आगे। अब ये जो दो थे ना, ये लूप के साथ दो हुए थे, तो ये इस धागे इसको ऐसे करना है सीधा, फिर हम इसको ऐसे बना लेंगे, वन और ये मैं ऐसे ही पिक करूंगी, ये वन टू थ्री, फिर ये ऐसे ही पिक होंगे, फिर वन, ये अब ये देखें ये लूप के साथ है, इसको मैं ऐसे इनको मैं पीछे से उठा के ऐसे सीधा कर लूंगी, ये ऐसे था ना, या आप या ऐसे उठा के भी ऐसे कर सकते हो जैसे भी, फिर ये मैं बनाऊंगी इस तरह, पीछे से स्टिच सीधा हो जाता है और बस एक दफ़ा मेरा पैटर्न हो गया। इसी तरह हमने इसको रिपीट करते जाना है। अब रिपीट क्या करना है, अब मैं दो सिलाइयाँ वैसे ही सीधी उल्टी डालूंगी, उसके बाद थर्ड सिलाई पे दोबारा इसको रिपीट करूंगी। यहाँ से मैं आपको इस साइड से दिखाना, यहाँ से शुरू बनाना शुरू कर देती हूँ, साथ साथ में डिज़ाइन भी आपको रिपीट करते हुए समझ आएगा, और साथ में इसकी जो हम कटिंग करते हैं वो इस तरह करनी है कि ताकि ये डिज़ाइन भी पैटर्न भी चले और इतनी कटिंग बुरी भी ना फील हो। हाँ, एक बात जो मैंने इसकी चौड़ाई तो आपको बताना भूल गई, क्योंकि ये ऐसे बनता है इसमें खुलना भी होता है थोड़ा सा ना, तो आइडली ये 19-20 इंच तक बच्चे के लिए, एक टोल्डर के लिए 19-20 इंच तक बिल्कुल ठीक होता है हेड, ठीक है। तो काफ़ी ये काफ़ी खुला हो जाएगा, इसमें तंग नहीं होगा, आई डोंट। चलें जी, अब हमने इसको, मैंने सैंपल वाले को इधर कर दिया, ये ले लिया, इसमें ये मुझे अब ये करना है कि मुझे डिज़ाइन भी साथ लेके चलना है और ये कोशिश करनी है कि कटिंग भी हो। उसके लिए जो मुझे समझ आती है, चले देखते हैं, नहीं अच्छा हुआ तो दोबारा ट्राई कर लेंगे। ये वाला ये मैं ऐसे ही बना के, ये तो अभी मैं ये दो डिज़ाइन के भी ऐसे ही बनाती हूँ, वन एंड टू, और ये एक बैक उल्टा। अब मैं ऐसा करती हूँ, इन दो को इसको सीधा करने के बाद, ऐसे करने के बाद इधर पीछे से इसका दो का एक कर लेती हूँ, इस तरह एक यहाँ कम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक। ये एक सीधा है और अब इन दो का एक कर लेती हूँ,
बाकी मैं इसी तरह चलती हूँ अभी, ये वन एंड टू, और यहाँ ये फिर डिज़ाइन, इसमें फिर ये वन ये करती हूँ, ये और वन करने के बाद फिर इन दोनों को बना लेती हूँ इस तरह। यहाँ इस यहाँ वाले जो मेरा वहाँ से मेरे दो दो कम हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, ठीक। और बाकी ये पांच के बाद कितने स्टिच के बाद, चार के बाद मेरे दो दो कम हो रहा है, ये एक वन टू, यानी कि वन टू थ्री फोर के बाद फिर मैं एक कम करूँगी। इसी तरह इसको सीधा करूँगी, ये करूँगी और ये मैं पीछे से कम कर देती हूँ, फिर एक बना लूँगी और इन दोनों का काम कर देती हूँ। इसी तरह ये मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए थोड़े थोड़े इधर टर्न होने होंगे, ये पूरी रो कंप्लीट, ये देखिए मैंने सारी इस तरह कंप्लीट कर ली है। अब अगली रो में हमने उसी तरह डिज़ाइन के हिसाब से चलना है, यहाँ कोई चीज़ कम नहीं करनी। इसमें हम ये तो मेरा उठ गया, ये मेरा सीधा धागा मैंने ऐसे कम किया, इसको मैंने वैसे ही पिक कर लिया, ठीक। पिक करने के बाद वन दो उल्टे, ये एक सीधा धागा आगे, ये ऐसे ही पिक हो गया। अब मिडल में सिर्फ एक रह गया मेरा धागा आगे, इसको फिर मैं ऐसे पिक करूँगी। इसी तरह मैं ये पूरी रो डाल लेती हूँ, वन टू, ये ऐसे इसको मैंने ऐसे से पिक किया, बनाया और ये ऐसे, ठीक। अब इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर ले। ये देखें ये मैंने रॉन्ग साइड सारी ऐसे डाल ली। अब ये हम करते हैं, सॉरी गिर गया, अब हम ऐसा करते हैं कि एक एक और कम कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये जो सीधा है, ये सॉरी कितने की वजह से, ये जो सीधा है और ये इसके साथ का उल्टा, इन दो को मैं इकट्ठा बना लेती हूँ। अब ये मेरे पास दो है, इस पर अभी डिज़ाइन भी डलना है, तो मैं करूँगी वन टू थ्री के बाद उसी तरह लूप बनाऊँगी, वन सॉरी वन एंड टू, ओके ये बन गए। फिर वन टू थ्री के बाद इधर भी लूप बनी और ये ऐसे, ओके करने के बाद अब ये दो है ना, जो एक ये सीधा और ये उल्टा, इनका मैं इकट्ठे उल्टा बना लेती हूँ और ये मेरा स्टिच सीधा है। फिर मैं धागा करके इन दो को उल्टा बना लेती हूँ, यहाँ मेरे एक एक। अब मैं यहाँ पे फिर लूप बनाऊँगी डिज़ाइन की, ठीक, ये ऐसे डिज़ाइन वन एंड टू और इधर से फिर ये लूप। अब ये दो ये कम, फिर ये दो, इस तरह हम इसको ऐसे बंद कर दे लू, इसका मैं डिज़ाइन का भी लूप बनाती जाती हूँ, बाकी मैं बंद करती जाती हूँ। ये देखें मैं बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ, करते करते यहाँ सीधा, फिर इन दो का मैंने उल्टा किया, यहाँ मुझे लूप वन टू थ्री के बाद यहाँ लूप बनानी है, वन एंड टू, फिर वन एंड टू लूप, थर्ड के बाद यहाँ लूप बनेगी, फिर उल्टा, ये दोनों मैंने इकट्ठे बना लिए और ये सीधा और ये ऐसे ही, ठीक। अब रॉन्ग साइड हम ऐसे ही जैसे जैसे जो स्टिच आ रहा है वही वही बनाते जाते हैं, लूप हमने वैसे ही शिफ्ट कर लेनी है, वो नहीं बनानी, ठीक। ये यहाँ पे सीधा है, ये दो सीधे, हाँ दोनों सीधे आएंगे, ठीक, और ये लूप मैं वैसे पिक करूँगी, ये दो उल्टे लूप ऐसे पिक, फिर ये भी वन टू, यहाँ थ्री सीधे हो जाएंगे, ठीक, फिर ये लूप पिक और वन टू, ये लूप वैसे ही, फिर वन टू, इस तरह थ्री सीधे लूप को वैसे पिक करेंगे, दो लूप मिडल के उल्टे बनाते जाएंगे, ये पूरी रो में कंप्लीट करते हैं। ये मैं एंड पे आ गई हूँ, लूप वैसे ही वन टू, ये मैंने ऐसे ही लूप पिक कर दी, फिर वन टू थ्री बना लिए आगे आगे, यस करने के बाद
वन एंड टू ऐसे बन गई, ये ऐसे पिक होगी धागा पीछे, वन एंड टू। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से मेरा इतना कम हो गया है। अब हम ये करते हैं, जैसे यहाँ से चले अब मैं ऐसा करती हूँ कि इन दो को उल्टा बना लेती हूँ, एक वन बना लिया। अब ये लूप को उसी तरह जैसे मैंने डिज़ाइन को बताया था, हमने चारों को इकट्ठे लेना है ऐसे, सॉरी चारों को इकट्ठे मैंने पिक किया और फ्रंट से फिर इसको ऐसे बना लिया, दो हो गए। अब ये आगे तीन है, इन तीनों को मैं उल्टा बना लूँगी, एक कर लेती हूँ। अब यहाँ मेरे दो कम हो गए एक ही वक्त में। फिर आप बस उस ऐसे ही लूप को मैं पीछे से बनाऊंगी और फ्रंट से कर लूँगी, फ्रंट से ऐसे बना लूँगी। अब फिर ये जो मेरे तीन हैं इन तीनों का मैं एक कर लेती हूँ ऐसे। इसी तरह मैं ये पूरी रो जितने मेरे रेस्ट ऑफ रह चुके हैं मैं उनको बनाती हूँ। ये मैं चारों को इससे लिया, ये फिर मैंने फ्रंट से बना लिया। बनाने के बाद धागे को मैंने ऐसे किया और इसको ऐसे कर लिया। अब धागा आगे, फिर ये तीनों उल्टे इस, ये सारा आप ऐसे कंप्लीट कर ले, तीन को वो एक, तीन का एक। पूरी रो ऐसे उस तरह बनाते बनाते यहाँ एंड पे आ गई हूँ। अब ये मेरा आखिरी डिज़ाइन है, इनको चारों को मैं मेक श्योर करें कि आपने ये चारों उठाने हैं, वरना एक आध स्टिच लूज हो गया तो वहाँ पे उधड़ जाएगा। ये करने के बाद यहाँ से फिर फ्रंट पे आपने इन चारों को ऐसे करना है, और ये मैं एंड के दो इकट्ठे बनाती हूँ और एक वैसे ही साइड का। ठीक, अब रॉन्ग साइड पे भी हम जैसे देखते हैं कैसे जैसे डिज़ाइन है उस हिसाब से चलते हैं। देखो कम के इतने रह गए हैं बस सारे जी। ये तो उल्टा है, ये मेरा ऐसे सीधा यहाँ होगा। अब ये जो पैटर्न के दो थे इनको मैं ऐसे करूँगी, सीधा करूँगी और ये ऐसे बना लूँगी, दो उल्टे फिर एक सीधा, फिर ये ऐसे पैटर्न वाला ऐसे करने के बाद दो उल्टे एक सीधा ऐसे। इसी तरह ये पूरी रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी, दो एक करके यहाँ ये पैटर्न। ठीक, सारी रो को इसी तरह आप कंप्लीट कर लें। अगली सिलाई हम ये कर रहे हैं कि ये जो मेरा ये पैटर्न इसका एक मैं उल्टे उल्टा बना रही हूँ, ठीक, और ये जो मेरा पैटर्न है ना ये दो का जो चल रहा था इस दो को मैं एक कर देती हूँ, फिर ये उल्टा, फिर ये दो एक उल्टा, दो का एक। ठीक, बस इसी तरह ये मैंने पूरी रो कम कर लेनी है और मज़ीद स्टिचेस कम हो जाएंगे ये तो। ठीक, हम उल्टी रॉन्ग साइड पे, अब मेरे इतने स्टिच रह गए, अब मुझे और कोई कम नहीं करना इतने। अब मैंने इनको एक सीधा एक उल्टा बना लेना है, ठीक है ना, ऐसे ये सीधा है ये उल्टा आ रहा है, उल्टा बनाऊंगी, फिर ये सीधा उल्टा, इसी तरह ये मैं सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टा करके। अब ये इतने स्टिच रह चुके हैं, देखते हैं कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 हैं मेरे ख्याल में। अभी हमें देख लेना चाहिए, एक दफ़ा और कम करके देख लेते हैं, थोड़े से और लेस कर ले ताकि वो ऊपर से ना गोल ज़रा थोड़ा सा छोटा बने। अगर तो पम लगाना है ना तो फिर चलता है। अब मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगी एवरी सीधे, ये सीधा है उसके साथ ऐसे उल्टे को बंद कर देती हूँ,
ये इसको सीधे को मैं ऐसे करके इस तरह मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक, ये ऐसे सीधा को ऐसे बंद कर देती हूँ और हाँ ये ठीक रहेगा। ये मैं इसको ऐसे करके सीधा फिर इसको ऐसे उल्टे के साथ ऐसे बंद कर देती हूँ। ये फिर मेरे एंड पे 13-14 स्टिच रह जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होंगी। देखिए ऐसे ये इसी तरह बंद मैंने डाल ली। अब उल्टी स्लाइस तरफ उल्टी डालेंगे और हम इसको ऐसे ये मैं ये जो मेरे पास रमेनिंग मेरे हमें 14 स्टिचेस रह गए होंगे 13-14 ये मैं इस तरह इसको बनाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से धागे को इतना रख के कट करूँगी कि मैं इससे सी भी सकूँ। ठीक है, ये मैंने धागे को इसमें सी लिया। अब ये सारे स्टिचेस जो हैं मैं इस सुई में प्रो लेती हूँ। मेरा इतनी बिग सुई नहीं है, छोटी है मेरे पास। अगर आपके पास बिग है तो ज़्यादा ठीक रहेगी। मैंने इसको केयरफुली इसको ऐसे निकालूँगी हाथ से और इसको ऐसे बैक से ऐसे सारों को इकट्ठे इसमें डाल लूँगी। डालने के बाद जब हम इसको खींचेंगे, ये देखिए अब ऊपर से थोड़ा सा छोटा हुआ, ज़्यादा स्टिच होते तो इसने बहुत ही ज़्यादा बनना था ऊपर से। ठीक, ये देखिए ये ऐसे ये। अब मैं बस इधर से इसको सीती चली आऊँगी, एक दफ़ा इधर से पक्का कर लेते हैं। अब बस यहाँ से एक लूँगी, एक मैं इधर इसको ना बस आप ऐसे सीते चले जाएं। एंड पे जो और इसका भी ये जो एंड वाला ये जो है ना एंड वाला हमने वो लेना है। यहाँ तो खैर अभी कटिंग आ रही है इतना नहीं, आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। एक ही साइड से एक उस साइड से बस आपने ऐसे इसको ये देखिए यहाँ जब आप ऐसे एंड से उठाएंगे ना तो ये एंड में स्टिच का सिलाई का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से सिलाई हुई हुई है टोपी। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से पता भी नहीं लग रहा टोपी स्टिच हो रही है, बिल्कुल इसी तरह ये हो गया है। अगर आपने इससे बड़े साइज एडल्ट के लिए टोपी बनानी है तो आप एक पैटर्न यानी इससे 9 स्टिचेस और डाल ले तो ये एडल्ट साइज की टोपी बिल्कुल इसी तरह बन जाएगी। उसकी लेंथ भी आप थोड़ी सी 1 इंच या 1/2 इंच ज़्यादा रख लीजिएगा। और ये देखिए ये ज़रा भी नहीं बिल्कुल नहीं फील हो रहा ना मैंने कैसे स्टिच कर रही हूँ। ये सारी मैं स्टिच कर लूँगी और बाद में जब हम टोपी को ऐसे पहनाएंगे तो ये खुद ही शेप में आ जाएगी। ऐसे पहनेंगे जब सर पे हेड पे पहनोगे ना तो वो शेप में आ जाती है खुद ही ऐसे। चलिए अभी तो मैं आपको सीती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें ये मैंने यहाँ से सिलाई की है, ये ज़रा भी नहीं आपको फील हो रहा होगा कि ये स्टिचिंग हुई है कि नहीं। हाँ ये बॉर्डर के पास आके थोड़ा सा बस आपको फील होगा वरना, और बॉर्डर का भी ये कि मैंने यहाँ तक तो ये सिलाई की और फिर मैं बाहर की साइड से सिलाई करना शुरू होगी ताकि ये जो इसकी चीज़ है ना ये नीटनेस बाहर से नीट लगे। ठीक है ये, और ये मेरी पूरी टोपी बन गई। अब ये जैसा कि इससे पहले आप इसका स्वेटर देख चुके हैं कि उसके बाजू इस तरह के थे तो मैंने सोचा ये मैचिंग सेट है तो थोड़ा सा क्रीम कलर भी आ जाना चाहिए तो उसके लिए ये मैंने उसके एयर फ्लैप बनाए हैं। एयर कवर हो जाते हैं बच्चों के बहुत सर्दी में क्योंकि ये है भी काफ़ी थिक सी तो बहुत ज़्यादा सर्दी में ये बहुत अच्छा रहने वाली है बच्चों के लिए। हाँ तो उसके लिए ये मैंने ये किया, एक मैंने बना लिया है और एक आपके साथ बनाऊँगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोपी की अब यहाँ से लेंथ कितनी हो चुकी है।
ये 8 इंच, ये 8 इंच बिल्कुल ठीक होगी एक बच्चे के लिए। अब हमने मैंने ये किया है कि ये इसकी बैक साइड है, ये देखें, इस बैक साइड से मैं यहाँ से 10 स्टिचेस तकरीबन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद मैंने इसके यहाँ से यहाँ तक 27 स्टिच उठा लिए, 27। अब इसी तरह मैंने इधर मार्क लगाया हुआ है, ये मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, 1 2 ये सिलाई को छोड़ के कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये स्टिचिंग वाले पार्ट को छोड़ के मैं यहाँ से मैंने शुरू किया है। असली तौर पे यहाँ एक स्टिच और भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, और यहाँ से फिर मैं स्टिच उठाना शुरू करूँगी, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे 27 बन रहे हैं, मेरे से रॉन्ग हुआ हुआ है, यहाँ से मैं इसके 27 यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच उठाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से स्टिच उठाना शुरू करना है, मैं आराम से, ये देखिए एक, फिर ये सीधे से 2, ये 3, फिर सीधे से ये 4, उल्टा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और ये मैं जब इसको निकालूंगी तो 27, ये 27 मेरे मैंने ऐसे स्टिच उठा लिए, ठीक। अब मैं धागे को ऐड करूंगी, मैंने ये थोड़ा सा धागा इतना ले लिया है ताकि जब मेरा ये साइड पे मैंने ये सेपरेट बॉर्डर बनाए ना तो उसी से बन जाए, ठीक है ना। यहाँ से मैं धागे को इतना रख के यहाँ से मैं ऐड करने लगी हूँ, मैं यहाँ से इसको ऐड करती हूँ, और पहली सिलाई मुझे उल्टी डालनी है, ये मेरा ये लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक। पहले 4 मुझे स्टिच सीधे डालने हैं क्योंकि ये बॉर्डर है, 1 2 3 and 4, 4 स्टिचेस मुझे सीधे डालने हैं, बाकी मैं उल्टे डालूंगी और एंड पे जाके 4 फिर मैं सीधे बनाऊंगी। जी अब यहाँ से फिर 4 फिर मैं सीधे कर लूँगी, ये 4, 1 2 3 and 4, ठीक। अब फिर पूरी सिलाई मुझे सीधी सीधी डालनी है, 4 सिलाइयों के बाद, 3 सिलाइयों के बाद मैं कलर चेंज करती हूँ, ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे सीधी सीधी, ये देखिए मैंने डाल ली। अब ये करेंगे कि पहले 4 जो है ये तो हम इससे इसमें छोटी सी पिन में डाल लेंगे क्योंकि ये मुझे बाद में सेपरेट से यहाँ से लेके चलना है, 3-4 स्टिचेस का बॉर्डर मैं सेपरेट बनाऊंगी, ठीक। और यहाँ से मैं ये क्रीम कलर का ऐड करने लगी हूँ, ये जो एलिमेंट सा कलर है ना जो पहले भी मैंने यूज़ किया, ये मैं इसको 2 सिलाइयों को
on aise hi. Sorry, ye main seedhi seedhi bana ke jab main end pe aaungi ye to ye char bhi main safety mein dal lungi. Yahan tak maine bana liya. Ab ye wale jo char hain inko bhi main is safety mein chote se mark mein dal leti hu aise. Theek, ab yahin se fir main white ko wapas isko क्रीम को वापस बनाना शुरू कर देती हूँ. ये थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके वो मैं ऐसे कर लेती हूँ. ठीक, ये मेरी दो. अब हमने ये करना है कि ये देखें, यहाँ से एवरी सिलाई पे एवरी सीधी सिलाई पे मैंने एक इधर से काम करना है, एक इधर से काम करना है. अब अगला मेरी चार सिलाइयाँ ये वाली होंगी. उसके लिए मैंने अलग से धागा रखा हुआ है. वो इसलिए कि ये वाला, ये जो धागे मैंने, ये एक ये है और एक ये है, इन दोनों के धागे ऐसे ही छोड़ दिए हैं. जब मैं इसके साइडों पर बॉर्डर बनाऊँगी तो इनको यूज़ करूँगी. अब यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा छोटा सा मैंने सेपरेट धागा निकाल के रखा हुआ था वो लेती हूँ. वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप एयर फ्लप बना बच्चों के लिए कवरिंग करें. अगर आपने वैसे ही टोपी बनानी है तो वैसे भी बना सकते हैं. और अगर आप ये दो कलर यूज़ नहीं कर रहे, एक से ही यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप एक कलर को तो वैसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं. अच्छा, ये मैंने बनाया और यहाँ से मैंने दो का एक कर दिया. ठीक, ऐसे बनाते बनाते जब मैं एंड पे आऊंगी मैं इसको ऐसे करने के बाद इसको भी एक एंड का ऐसे बना लूंगी. ठीक, और ये अब रॉन्ग स्लाइड तो वैसे ही डालनी है. जब फ्रंट पे आएंगे तो फिर मुझे एक एक कटिंग करनी है. ये देखिए, मैंने इसको पूरी उल्टी सिलाई बना ली है. अब फिर यहाँ से एवरी सीधी सिलाई पे मैं एक एक काम करती चली जाऊंगी. और चार सिलाइयाँ मैं ग्रीन की डालूंगी और दो सिलाई क्रीम की. ठीक, ये अभी ग्रीन की, उसके बाद मैं दोबारा क्रीम पे आ जाऊंगी. इसी तरह ये मैं इसका ये इसको दो को एक कर लिया. अब मैं सारी उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर मैं क्रीम कलर के धागे से इसी तरह कटिंग करते करते यहाँ तक ऐसे ऐसे बनाती हूँ. जी, ये देखें, मैं इस तरह काम करते करते यहाँ तक आ गई हूँ. ठीक, अब मेरे यहाँ 5 स्टिच रह गए हैं. अभी तो ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी. अब ये फिर अब मैं ऐसा करती हूँ, ये दो को एक कर लेती हूँ. ओके, ये एक और ये दो का एक. अब फिर ये तीन हो गए. अब मैं तीन को एक बना दूंगी. अब मैं ऐसे करती हूँ, इसको ऐसे उठा के इनको दोबारा डाल के और इसको तीन को एक कर देती हूँ. और ये मेरा एक यहाँ पे रह गया बस. ये अब मैं ये वाला बनाते बनाते इधर आऊँगी, फिर इधर से भी बनाते बनाते इधर आऊँगी. पहले चले मैं ये वाला स्टार्ट कर लेती हूँ. ठीक है ना, ये एक आप खुला सा ऐसे रहने दें, या ये मैं ऐसे करती हूँ, ये मार्क निकाल के इसमें लगा लेती हूँ ताकि ये उधड़े नहीं. ठीक, ऐसे. अब मैंने ये चार जो हैं ये इस साइड से डाल ले ऐसे चार. अब मैंने धागा मेरा इस साइड पे है तो थोड़ा सा इधर को ले जाऊंगी. उसकी उसकी वरी नहीं है, वो मैं बाद में जब सीऊंगी ना तो उसमें आ जाएगा. अब मैंने इन चारों को सीधा सीधा बस बनाना है ये. ठीक, अब फिर मैं ऐसे ऐसे बनाते बनाते यहाँ तक बनाती हूँ. यहाँ जी, ये देखें, ये मैंने इतना बना लिया यहाँ.
अब मैं इसको बाद में सी दूंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ बना के और ये चार जो मेरे हैं ना इसके साथ ये वन भी ऐड कर लूँगी, ये इन बल्कि इसके अंदर मैं ये चार ऐड कर रही हूँ। ये मैं बंद कर देती हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ से ऐसे सिल जाएगा। अब मेरा ये है, इसको मैं उठाती हूँ, इधर से होगा ये बाद में सारे धागे तो प्रो हो जाएंगे। जैसे ये देखे मैंने प्रो दिए, ऐसे यहाँ से टू थ्री फोर। अब फिर मैं उसी तरह इसको सीधा सीधा इसका बॉर्डर बनाना शुरू कर देती हूँ। बस ये भी मैं यहाँ तक बना के तो फिर आगे से हम इस तरह इसको इकट्ठा लेकर चलेंगे जी। ये देखें ये भी मैंने इसके तकरीबन बराबर बना लिए, ये तकरीबन 1 2 3 4 18 टाइम तक बने हैं दोनों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी यही काउंटिंग हो, लेकिन आप इसके इक्वल बस बना लें। अब मैं यहाँ से ऐसे बना के और इनको भी साथ में ही इसके बना लेती हूँ, इसको भी इनको मैं सिलाई में डालती हूँ पहले। चार और ये एक, ये भी पांच भी, ठीक। और ये वाला भी कैंच के जब सिलाई इसको पक्का करें ओके तरीके ये। अब फिर मैं इनको इकट्ठे बनाना शुरू कर देती हूँ। ये धागा और इसका, ये दोनों लूज हो रहे हैं तो ऐसे करते हैं इनको एक दफा यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, ठीक। अब मेरे कितने स्टिच हो गए, 2 4 1 2 4 6 8 9। हमने 5 एंड पे रखने हैं, इसका मतलब 4 मुझे और कम करने हैं इनको। मैं ऐसा करती हूँ दो दो करके फिर काम करती हूँ। यहाँ मैंने दो बनाए और दो का दो बनाने के बाद दो का एक, दो का हाँ और दो का एक कर दूंगी, एक बनाऊंगी फिर मैं दो को एक कर दूंगी, ठीक। और ये अगली सिलाई फिर मैं दो काम करूँगी, जब ये यहाँ देख यहाँ फिर मुझे दो काम करने हैं, एक ये हो गया, इन दो का मैं एक कर लूँगी, ठीक, एक ये बना लूँगी और इन दो को फिर मैं एक कर लूँगी। अब ये टोटल मेरे 5 रह गए हैं, 5 को मैंने इसी तरह बनाते चले जाना है स्ट्रैप के तौर पे, ठीक। ये देखें ये 5 की फिर अब मैं ऐसे कैरी ऑन करूँगी। ये देखें मैंने इसको बनाते बनाते तकरीबन इसके बराबर कर लिया है। ये इसका कोई ख़ास नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बनाना चाहें, ये हाफ फाइव तक हुई है मेरे ख्याल में, इनफ होगी दोनों साइडों पे हाफ फाइव फाइव फाइव। ये फिर अब मैं इसको या तो ऐसे ही बंद कर लो, तो मैं ज़रा थोड़ा सा चाह रही हूँ थोड़ा सा और शॉर्ट करके बंद हो जाए। मैंने दो इकट्ठे किए, यहाँ से भी दो इकट्ठे बनाए, 3 हो गए। 3 को ये तो मैं ऐसे ही बना लिया, अब मैं इन 3 को भी एक कर देती हूँ। 3 को मैं कैसे, इन दोनों को उठा के ये ऐसे उल्टा के, तो अब मीटर वाला मीटर आ जाएगा। और ये मैंने इसको बना के ये बंद कर दिया, ठीक। ये मेरा बंद हो गया और यहाँ से मैं धागा काट लेती हूँ और ये वाले मैं यहाँ से सीना शुरू कर। स्ट्रैप नहीं बनानी तो आप डोरी भी बना के लगा सकती हो, ठीक है। अब ये अब दोनों साइडों से ये मुझे एक तो ये सीने हैं और ऊपर से ये धागे जो है रेस्ट ऑफ ये मुझे परोने हैं। ये मैंने एक सुई में धागा ले लिया है और ये देखो ये वाली साइड मैं
पहले ऐसे इधर को सीधा करके ऐसे सीती हूँ कि ये बस कुछ भी नहीं, एक मैं इधर से लूँगी ये धागा, एक मैं इधर से करूँगी और थोड़ा सा मैं इधर, फिर ये ऐसे इसको आप सीते जाओगे तो ये पता भी नहीं चलना। ये ज़रूरी नहीं है आप इसको ये दो कलर में बनाएं, अगर आप पूरा सेट नहीं बना रहे या इसका स्वेटर भी कार्डिगन भी सॉरी जंपर भी सेम कलर से बना रहे हो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। फिर जो स्टिच आप 27 है वो इनको ऐसे ही सीधा सीधा बना के आप इसको लेके चल सकते हो। ठीक, अभी मैं ये इस तरह दोनों साइडों से सीके और धागे इनको काट के बना दूंगी तो ये टोपी तैयार हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ ये आप ऐसे ये बच्चे जब पहनेंगे तो ये, क्योंकि फ्रंट पोर्शन ज़रा बड़ा होता है, कान थोड़े से बैक को लगे होते हैं तो ये थोड़ा सा बैक की साइड पे है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप इसको ट्राई करोगे। अब दो मुझे इजाज़त दे तो वह हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।